जय हिंद भारतम। साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। और आज एक नई शुरुआत कर रहे हैं, हम शुरुआत कर रहे हैं एक नया कार्यक्रम जिसमें देश और विदेश के साहित्यकारों को हम जोड़ेंगे और कार्यक्रम का नाम रहेगा साहित्य संसार। साहित्य संसार की शुरुआत आज हम करेंगे एक कवि सम्मेलन से, और कवि सम्मेलन की भी शुरुआत क्योंकि भारतीय परंपरा में मातृशक्ति को श्रेष्ठ माना गया है, कहा गया है यत्र नारियस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो नारी को श्रेष्ठ मानते हुए, मातृशक्ति को श्रेष्ठ मानते हुए हम इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। और शुरुआत में आज इस कवि सम्मेलन में जिन कवित्रियों को हमने आमंत्रित किया है उनसे आपका एक बार परिचय करवा देता हूँ। हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़ी हैं सुदर्शन रत्नाकर जी। सुदर्शन जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुदर्शन जी हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा श्रेष्ठ महिला रचनाकार के साथ साथ आजीवन साहित्य साधना सम्मान से सम्मानित हैं, और साहित्य के क्षेत्र में इनका बड़ा योगदान है। अनेक पुस्तकें इनकी आ चुकी हैं, एक लेखिका के रूप में और एक कवित्री के रूप में इनका एक विशेष स्थान है। इनके बाद मैं स्वागत करूंगा, सोनीपत से हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर कमलेश मलिक। डॉक्टर मलिक आपका स्वागत है। डॉक्टर कमलेश मलिक टीकाराम कॉलेज सोनीपत में प्रधानाचार्य रही हैं और कवित्री के साथ साथ एक लेखिका के रूप में भी इनकी विशेष पहचान है। हरियाणा साहित्य अकादमी से श्रेष्ठ महिला रचनाकार का सम्मान इन्हें प्राप्त हुआ है। उसके साथ साथ अनेक सम्मानों से सम्मानित डॉक्टर मलिक के अनेक काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। तो आज हम उनकी कविताओं का आनंद लेंगे, एक बेहतरीन गीत उनसे सुनेंगे, और इनके बाद में स्वागत कर रहा हूं हरियाणा साहित्य अकादमी की निदेशिका रही हैं, ग्रंथ अकादमी की पूर्व निदेशिका रही हैं डॉक्टर मुक्ता। डॉक्टर मुक्ता का भी साहित्य में बड़ा स्थान है, बड़ा योगदान है। डॉक्टर मुक्ता का भी मैं स्वागत करता हूं और खुद को सम्मानित महसूस कर रहा हूं कि वो इस मंच से जुड़ी हैं। डॉक्टर मुक्ता आपका स्वागत है। गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ी हैं वीणा अग्रवाल जी। वीणा अग्रवाल जी का मैं स्वागत करता हूं। वीणा अग्रवाल जी को हरियाणा कला परिषद से मातृशक्ति सम्मान मिला है और उनकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं और मंचों पर भी, टीवी पर, मंचों पर, अनेक जगह काव्य पाठ का उनका अनुभव है। वीणा अग्रवाल जी आपका भी स्वागत है। सोनीपत से हमारे साथ जुड़ी हैं राजश्री गौड़ जी। राजश्री जी मूलतः एक गजलकार हैं, शायरा हैं, बहुत अच्छी गजलें लिखती हैं। और अगर इनके परिचय की बात करूं तो भारत भर के में मंचों पर पढ़ती रही हैं और उसके साथ साथ अनेक काव्य संग्रह इनके प्रकाशित हो चुके हैं, तो इनसे भी आज हम गजलें सुनेंगे। राजश्री गौड़ जी आपका स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं सरस्वती वंदना से, और यही कहेंगे या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आमंत्रित करता हूं वीणा अग्रवाल जी को, आए और सरस्वती वंदना का पाठ करें। माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ। आइए हम सभी माँ सरस्वती की शरण में चले। वरदायिनी वरदान दो, अंतःकरण में ज्ञान दो, मुझे आशा और विश्वास का अविरल अभय अनुदान दो। मेरे रोम रोम में प्यास है, तेरी शक्ति का एहसास है, जो वाणी को दे स्वर मधुर, वह स्वर तुम्हारे पास है, मेरे स्वर को भी पहचान दो। मुझे गीत का विज्ञान दो, वरदायनी वरदान दो, दो भावों में संवेदना, मेरे शब्दों में हो प्रेरणा, मेरी धड़कनों में चेतना, पर दुख में हो मुझे वेदना, हर सांस में उत्साह हो, मेरे उर में ऐसा प्राण दो, हर सांस में उत्साह हो, मेरे उर में ऐसा
प्राण दो वरदायनी, वरदान दो मेरी लेखनी अनिरोध हो, अधर्म से मेरा युद्ध हो, मेरी सोच निर्मल शुद्ध हो, मेरा संग साथ प्रबोध हो, मुझे देख कर महके सभी, वह पुष्प सी मुस्कान दो वरदायनी, वरदान दो तेरे स्नेह से हर्षित है मन, तेरे नेह से गर्वित है मन, जीने की चाह देती है तेरे ज्ञान की अद्भुत किरण, दुख हर सकूं किसी के मैं, मुझे ऐसा जीवन दान दो, दुख हर सकूं किसी के मैं, मुझे ऐसा जीवन दान दो, वरदायनी वरदान दो, अंतःकरण में ज्ञान दो, मुझे आशा और विश्वास का अविरल अभय अनुदान दो, मुझे आशा और विश्वास का। धन्यवाद। सरस्वती वंदना के बाद अब आगे बढ़ते हैं और आपको सोनीपत लिए चलता हूँ। सोनीपत से हमारे साथ जुड़ी हैं राजश्री गौड़ जी, उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ उन्हीं की गजल के एक शेर के साथ। रंजो गम का दिल से अपने वास्ता रहने दिया, जो था उनका फैसला वो फैसला रहने दिया। आदरणीय श्री दिनेश शर्मा जी जो मंच के संचालक हैं उनको मेरा नमस्कार, आदरणीय कमलेश जी को मेरा नमस्कार, और मंच पर उपस्थित सभी गुणीजनों को मेरा नमस्कार। मैं राजश्री गौड़ अपनी एक गजल प्रस्तुत कर रही हूँ, सुनिएगा। ओढ़ी हुई थी शान, ओढ़ी हुई थी शान जो झूठी उतार दी, ओढ़ी हुई थी शान जो झूठी उतार दी, सर चढ़ के बोलती थी वो बूटी उतार दी, सर चढ़ के बोलती थी वो बूटी उतार दी। गम और खुशी का, गम और खुशी का रूह से रिश्ता नहीं रहा, गम और खुशी का रूह से रिश्ता नहीं रहा, तब रीत जिंदगी की अनूठी उतार दी, गम और खुशी का रूह से नाता नहीं रहा, तब रीत जिंदगी की अनूठी उतार दी। अगला शेर सुनिएगा। शुरुआत में ही इश्क के तू सोचता है क्या, शुरुआत में ही इश्क के तू सोचता है क्या, तूफान में ही अपनी जब कश्ती उतार दी, तूफान में ही अपनी जब कश्ती उतार दी, तू राजदा मेरा है, तू राजदा मेरा है, तू ही आई ना मेरा, तू राजदा मेरा है, तू ही आई ना मेरा, उलझन छिपी जो दिल में थी सारी उतार दी, उलझन छिपी जो दिल में थी सारी उतार दी, लाचार हो गई थी जुबा उसके खौफ से, लाचार हो गई थी जुबा उसके खौफ से, आखिर को हमने सारी वफा ही उतार दी, आखिर को हमने सारी वफा ही उतार दी। अंतिम शेर है, मक्ते का शेर, सुनिएगा। लहरा रहा था राज, लहरा रहा था राज एक साया जमीर पर, सूरज निकलते दूर परछाई उतार दी, सूरज निकलते दूर परछाई उतार दी। शुक्रिया साथियों, राजश्री जी को सुना आपने, अब आपको गुरुग्राम लिए चलता हूँ, आमंत्रित कर रहा हूँ काव्य पाठ के लिए वीणा अग्रवाल जी को। आदरणीय सुदर्शन रत्नाकर दीदी, कमलेश मलिक दीदी और दिनेश जी और राजश्री जी, सभी को मैं प्रणाम करते हुए अपनी बात कहती हूँ कि चार पंक्तियां अपने परिचय की देती हूँ कि मैं इकरार करती हूँ
ना इनकार करती हूँ, ए जिंदगी मैं तुझसे सिर्फ प्यार करती हूँ। जो मिला, जहां मिला, जब मिला, मैं हर जगह खुशी का इजहार करती हूँ। और छोटा सा गीत मैं आपके बीच रख देती हूँ कि वो मेरा पसंदीदा गीत है, जिसने समझा ही ना अपने साथी का मन, उसको हर वक्त होती है मन में घुटन। हम सफर साथ है यह बड़ी बात है, फिर बाकी सुखों की क्या औकात है। जिनका आज चीजों का जमाना है, जिनका उलझा रहा चीजों में मन, उनको हर वक्त होती है मन में घुटन। साथी तन का नहीं प्राणों का प्राण है, जिसके रहने से जीवन में अरमान है। साथी तन का नहीं प्राणों का प्राण है, जिसके रहने से जीवन में अरमान है। जहां हुआ ही नहीं आत्मा का मिलन, उनको हर वक्त रहती है मन में घुटन। और एक साथी ही तो मन का मीत है, मैं इसलिए कहती हूँ कि हम अपने साथी से कितनी भी बात करें कहीं बाहर नहीं जाती। एक साथी ही तो मन का मीत है, जिसका हर शब्द जीवन का संगीत है। जिसने महसूस ना की यह अद्भुत छुअन, उनके अंतर में रहती है पल पल घुटन। और एक इसका आखिरी बंद, साथी उत्साह है, आज हमारे भीतर क्यों खुशी है। साथी उत्साह है, जीने की चाह है, उसकी हर एक नसीहत नई राह है। और ये पंक्ति, अंतिम पंक्ति मैं उनको सौंप रही हूँ जो आजीवन साथ रहते हैं पर साथ नहीं रहते। साथ रहते हुए भी हो बेगानापन, उनको हर वक्त होती है मन में घुटन। जिसने समझा ही ना अपने साथी का मन, उसको हर वक्त होती है मन में घुटन। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आमंत्रित करने के लिए, तहे दिल से आभार। बहुत सुंदर प्रस्तुति वीणा जी ने दी। इसके बाद डॉक्टर मुक्ता आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरी कविता का शीर्षक है ए जिंदगी। ए जिंदगी आ तुझे संवार दूं, नन्हे शिशु की भांति प्यार दूं दुलार दूं। तू मेरी सांसों की सरगम, जन्म जन्म का तुझसे बंधन, मैं सारी खुशियां तुझ पर वार दूं। ए जिंदगी आ तुझे संवार दूं, मेरा जीवन तेरी दौलत, तू मेरी धरोहर मेरी अमानत, तुझ पर अपनी जिंदगी वार दूं। ऐ जिंदगी आ तुझे संवार दूं, तू मेरे जीने का मकसद, तुझसे रोशन ये जीवन, तुझ पर अपना सर्वस्व वार दूं। ऐ जिंदगी आ तुझे संवार दूं, तुम बिन ये जीवन निस्सार, कोई न पा सका इसका पार, तुझ पर जमाने भर की दौलत वार दूं। ऐ जिंदगी आ तुझे संवार दूं, नन्हे शिशु की भांति प्यार दूं दुलार दूं। अगली कविता भी जीवन के संदर्भ में है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, जिसका शीर्षक है काश। काश जीवन परिंदों जैसा होता, सारा जहां अपना आशियां होता, ना होता कोई अपना पराया, रिश्तों की दलदल से ना मन भरमाया होता, ना धर्म के झगड़े होते, ना होते जाति के बंधन, ना होती ऑनर किलिंग, ना खापू का डर सताया होता, ना लुटती
चौराहे पर द्रौपदी की इज्जत ना मासूमों को शतरंज का मुहरा बनाया होता, ना होते विस्फोट, ना मरते निर्दोष, यदि आदमी को इंसान बनाया होता, यदि आदमी को इंसान बनाया होता का शीर्षक है अक्स। लोग अक्सर फसाना बना लेते हैं, सच को झूठ की चकाचौंध में छिपा वे आईने के अक्स को भी झुठला देते हैं। तन्हाइयों का सफर कटता नहीं, जिंदगी में कुछ भी भाता नहीं, लोग अक्सर तिल का तार बना लेते हैं। सुकून कहाँ मिलता है किसी को जमाने में, लोगों को मजा आता है दूसरों को तड़पाने में, मुखौटा लगाकर वे हकीकत को छिपा लेते हैं। शब्द बाणों से वे निशाना साधते हैं अक्सर, जो नष्टर बन सालते अंतर मन को उम्र भर, लोगों को कटघरे में खड़ा कर वे तमाशा देखते हैं। लोग अक्सर फसाना बना देते हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति। मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर कमलेश मलिक जी को, ये कहना मैं अपेक्षित समझता हूँ कि इस पूरे कार्यक्रम का श्रेय उनको जाता है और उन्हीं के संयोजन में मैं कहूंगा कि ये कार्यक्रम हो रहा है, तो मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ और काव्य पाठ के लिए उन्हें आमंत्रित करता हूँ। आज के कार्यक्रम के आयोजक श्री दिनेश शर्मा जी और मेरी सहभागी बहनों को मेरा अभिवादन। दो पंक्तियां आज की बेटियों के नाम की, इतिहास ने अवसर दिया तो, इतिहास ने अवसर दिया तो बन गई वीरांगना, छेदती आकाश को अब बेटियों की साधना। हर फलक पर आज उसने कर दिए हस्ताक्षर, हर फलक पर आज उसने कर दिए हस्ताक्षर कि अब न छूटेगी कहीं कोई अधूरी कामना, कोई अधूरी कामना। बहुत खूब। और इसके बाद मैं वो पंक्तियां जो मैंने अपने वैवाहिक वर्षगांठ 50वीं वर्षगांठ पर जो पंक्तियां लिखी थी और दोस्तों से शेयर की थी, आज मैं उन्हें आपसे साझा कर रही हूँ। स्वागत है। बहुत कुछ छूट गया, बहुत कुछ पास है, बहुत कुछ छूट गया, बहुत कुछ पास है, इनायतें बहुत रही, हास परिहास रहा। बहुत कुछ छूट गया, बहुत कुछ पास रहा, इनायतें बहुत रही, हास परिहास रहा। पलक झपकते भला बीता है कल कहाँ, पलक झपकते भला बीता है कल कहाँ, परत दर परत खुला यही इतिहास रहा। बहुत कुछ छूट गया, और देखिए कभी कंठ भर गया, कभी आंख नम हुई, कभी कंठ भर गया, कभी आंख नम हुई, पात भी झरे यहाँ यही मधुमास रहा। बहुत कुछ छूट गया, बहुत कुछ पास रहा, आंधियां चली बहुत, आंधियां चली बहुत, बिजलियां गिरी मगर बयार भी बही यही मुक्त आका।
रहा, बहुत कुछ छूट गया, बहुत कुछ पास रहा। सुरक्षा कवच बनी आंगन की दहलियां, सुरक्षा कवच बनी आंगन की दहलियां। जीवन है बंधन यही आभास रहा, बहुत कुछ छूट गया, लेकिन उड़ान के लिए मिली पंख सी दो बेटियां, उड़ान के लिए मिली पंख सी दो बेटियां। धन्य हो गई हूं मैं यही एहसास रहा, बहुत कुछ छूट गया, बहुत कुछ पास रहा। और अगले शेर में मैंने अपनी दोनों बेटियों का नाम मेघना मीमांसा उन शब्दों का सार्थक उपयोग किया है। मेघना नदी है जो प्राण स्रोत सी बही, मेघना नदी है जो प्राण स्रोत सी बही, मीमांसा है फलसफा यही विश्वास रहा। बहुत कुछ छूट गया, बहुत कुछ पास रहा। हौसले नहीं थमे किसी भी पड़ाव पर, हौसले नहीं थमे किसी भी पड़ाव पर। सुबह हो कि शाम हो आस का उजास रहा, बहुत कुछ छूट गया। और गजल का आखिरी से आप दोस्तों के नाम, किसी दिन धन मिला किसी दिन यश मिला, किसी दिन धन मिला किसी दिन यश मिला, जिस दिन मीत मिले वही दिन खास रहा। कुछ छूट गया, बहुत कुछ पास रहा, बहुत कुछ छूट गया, बहुत कुछ पास रहा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए कितना बेहतरीन मजेदार गीत और पूरे जीवन का जो सार उन्होंने अपने इस गीत में आपके और हमारे सामने रखा, इसके लिए निसंदेह साधुवाद की पात्र हैं। बेहतरीन गीत, आनंद आया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश जी। अब आपको फरीदाबाद लिए चलते हैं और डॉक्टर सुदर्शन रत्नाकर वर्तमान की परिस्थितियों की बात कर रही हैं, वर्तमान के जो परिवेश को एक जंगल के साथ जोड़ते हुए अपनी कविता से परिभाषित कर रही हैं, आइए सुनते हैं। सबसे पहले तो मैं कार्यक्रम के आयोजक श्री दिनेश शर्मा जी को बहुत बधाई देती हूँ कि बहुत अच्छा ये कार्यक्रम प्रोग्राम जो है वो उन्होंने प्रारंभ किया है, बहुत सारे कवि कवित्रियों को इससे लाभ होगा। तो और आभार प्रकट करती हूँ कि मुझे भी आपने इसका एक हिस्सा बनाया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी कविता प्रस्तुत है रिश्तों के घनीभूत जंगल। 10-20 पेड़ जंगल नहीं होते, 10-20 पेड़ जंगल नहीं होते, जंगल होते हैं गहरे घने जहां आसमान को छूते पेड़ होते हैं, जहां आसमान को छूते पेड़ होते हैं, कंटीली झाड़ियां और नोकदार पत्तियां होती हैं। छाया देते हैं ये पेड़, छाया देते हैं ये पेड़, लताओं का आधार होते हैं पेड़, हिंसक पशुओं का घर होते हैं जंगल, हिंसक पशुओं का घर होते हैं जंगल, मासूम पशुओं की पनाह घर होते हैं जंगल।
डराते हैं ये जंगल, डराते हैं ये जंगल, रास्ता रोकते हैं ये जंगल, पर बड़े सुंदर भी होते हैं ये जंगल, पर बड़े सुंदर भी होते हैं ये जंगल, नदियाँ झरने भी बहते हैं यहाँ, आदिवासी भी रहते हैं वहाँ, नदियाँ झरने भी बहते हैं यहाँ, आदिवासी भी रहते हैं वहाँ, एक अलग ही दुनिया बसती है यहाँ, तम है पर चांद सितारों की चांदनी भी बरसती है यहाँ, प्रकृति का उपहार होते हैं ये घने जंगल, प्रकृति का उपहार होते हैं ये घने जंगल, जड़ी बूटियों का भंडार होते हैं ये जंगल, वर्षा का आधार होते हैं ये जंगल, पर आज अपनी किस्मत को रोते हैं जंगल, पर आज अपनी किस्मत पर रोते हैं जंगल, औद्योगिक विकास की कुल्हाड़ी से कट रहे हैं जंगल, नहीं रही वो रौनकें, नहीं रही वो रौनकें, नहीं रहे वो पनाह घर, नहीं रही वो रौनकें, नहीं रहे वो पनाह घर, भटक रहे हैं जानवर, भटक रहे हैं जानवर, खाली हो रही हैं बस्तियां, भटक रहे हैं जंगल, भटक रहे हैं जानवर, खाली हो रही हैं बस्तियां, विलुप्त हो रही हैं जनजातियां, खिलवाड़ कर रहा मानव, खिलवाड़ कर रहा मानव, प्रकृति के उपहार से काटना तो पड़ेगा जो बो रहा संसार में, दोस्तों दोस्तों जंगल बाहर ही नहीं होते, दोस्तों जंगल बाहर ही नहीं होते, मन के भीतर भी होते हैं गहरे जंगल, भावनाओं के एहसासों के, भावनाओं के एहसासों के, दुख उदासी पीड़ा के चुभते हैं कांटे, दुख उदासी पीड़ा के चुभते हैं कांटे, खुशियों की शीतल छाया भी देते हैं ये जंगल, खुशियों की शीतल छाया भी देते हैं ये जंगल, काटना मत इन जंगलों को दोस्तों, काटना मत इन जंगलों को, नहीं तो सूने हो जाएंगे, नहीं तो सूने हो जाएंगे मन के ये जंगल, और बिखर बिखर जाएंगे, और बिखर बिखर जाएंगे रिश्तों के घनीभूत जंगल, मत काटना इन्हें। कविता का शीर्षक है नई नींव। टूटती रही मैं कच्ची दीवार की तरह, टूटती रही मैं कच्ची दीवार की तरह, जी जिसका जी चाहा ठोकता रहा, जिसका जी चाहा ठोकता रहा, कीले मेरे अंतस्थल में और मैं सहती रही, जिसका जी चाहा ठोकता रहा, कीले मेरे अंतस्थल में और मैं सहती रही, इश्तिहार वे लगाता रहा अपने होने के, इश्तिहार वे लगाता रहा अपने होने के, और छीजती मैं रही सहा सदियों, सहा सदियों उन नुकीली कीलों का दर्द, सहा सदियों उन नुकीली कीलों का दर्द, की उफ तक नहीं पर होने लगा जब दर्द बे इंतहा, पर होने लगा जब दर्द बे इंतहा, तब मैं चीखी कब तक सहती, कब तक सहकी सहती, चीखना तो था और मेरी चीख की गूंज सुनाई देने लगी बहरे कानों में भी, और मेरी चीख की गूंज सुनाई देने लगी बहरे कानों में भी, गूंजने लगी और चीखें और आवाजें मेरी आवाज के साथ, और खोद रही हूँ एक नई नींव जिस पर बना सकूं एक पक्की दीवार, ताकि कच्ची दीवार की तरह, ताकि कच्ची दीवार की तरह उस पर कोई कील ना ठोक सके, जिस पर कोई कील ना ठोक सके, बस मैं रहूं और मेरे एहसास, बस मैं रहूं और मेरे एहसास। धन्यवाद। बहुत सुंदर दर्शन जी, बहुत। दोस्तों ये था आज का कार्यक्रम, आशा है आपको पसंद आया होगा, अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दें, और अपनी ओर से हमारे साथ जुड़े जो अतिथि हैं, कवित्रियां रही हैं, उनकी ओर से आपका धन्यवाद करता हूं। और आपसे अनुमति लेने से पहले डॉक्टर कमलेश मलिक,
सुदर्शन रत्नाकर जी, वीणा अग्रवाल जी, राजश्री गौड़ जी और डॉक्टर मुक्ता जी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।